साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे भर्ती 2023 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। खबर क्या है इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और इससे संबंधित पल पल की अपडेट चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पे आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। आइए पूरी खबर यहां पे। हमने कल आपको थोड़ी जानकारी दी थी जिसमें बताया था कि रेलवे में तकरीबन 2.74 लाख पद रिक्त हैं। आज उसी का यहां पे हम खुलासा करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे आखिर क्या कहानी किस प्रकार से है। आप देख सकते हैं खाली पदों में सुरक्षा श्रेणी में तकरीबन 1.7 लाख से अधिक पद, आरटीआई के जवाब में खुलासा। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। रेलवे में इस महीने तक तकरीबन 2.74 लाख पद रिक्त हैं, जिनमें से 1.7 लाख से अधिक सुरक्षा श्रेणी में है। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत एक अर्जी के जवाब में यह जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर के द्वारा इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर रेलवे ने अपने जवाब में कहा है कि लेवल 1 सहित ग्रुप सी में 2,74,580 पद रिक्त हैं। इसमें सुरक्षा श्रेणी में तकरीबन 1,77,924 रिक्तियां शामिल हैं। रेलवे में प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा है कि इस मुद्दे का हल सीधी भर्ती, शीघ्र पदोन्नति और प्रशिक्षण के बाद नॉन कोर कर्मचारियों को मुख्य नौकरियों में स्थानांतरित करने के माध्यम से किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस साल 1 जून तक भारतीय रेलवे के ग्रुप सी में रिक्त अराजपत्रित पदों की कुल संख्या 2,74,580 है। रेलवे ने कहा है कि सुरक्षा श्रेणी में 9.82 लाख से अधिक पद हैं, जिसमें से 8.04 लाख से अधिक पद भरे हुए हैं, यानी बाकी के जो पद हैं वो खाली हैं। आगे की अपडेट आपको हम दिखा देते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की कमी का मुद्दा रेलवे यूनियन द्वारा निरंतर उठाया गया है। दरअसल रेल यूनियन ने मंत्रालय से रेल पटरियों के रखरखाव, फिटनेस, सीनियर और जूनियर सेक्शन इंजीनियर, गैंगमैन और टेक्नीशियन के अधिक पदों की मांग की है। इसका जमीनी काम पर क्या असर पड़ा है इस बारे में अधिकारियों ने कहा है कि कार्यबल पर जबरदस्त दबाव है और ऑन ग्राउंड स्टाफ को पटरी का निरीक्षण करने के लिए रोजाना 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके लिए इतनी दूरी तय करना मुश्किल है। बालासोर हादसे के बाद भर्ती अभियान, यहां पर आप देख पा रहे होंगे उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद रेलवे ने अपने जोन को विशेष रूप से सुरक्षा श्रेणी में पदोन्नत रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दे दिया है। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा है कि रेलवे सीधी भर्ती और शीघ्र पदोन्नत के माध्यम से पदों को भर रहा है। कहने का मतलब यह है कि बहुत भारी मात्रा में आपको बड़ी भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं और ये भर्तियां आपको जल्द ही यहां पे मिलने वाली हैं। फिलहाल ये अपडेट आपके समक्ष है। कुल पदों की संख्या 2.74 लाख पद रिक्त हैं, जिसमें से सुरक्षा श्रेणी में 1.7 लाख से अधिक पद इस समय आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो जल्द ही आपको भर्तियां मिलेंगी और जल्द ही आप इसके तैयारी कर पाएंगे और जल्द ही आपका सिलेक्शन होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट। धन्यवाद।